हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब पराठे तो आपने बहुत प्रकार के खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पराठा बनाना बताऊंगी जो कि आप 5 मिनट में बना पाओगे। और एक एक पराठा इतना चटपटा बनेगा और इतना अच्छा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हम एक बड़े से बोल में ले लेंगे मैदा। मैंने यहाँ पे मैदा ली है, आप चाहो तो आटे से भी बना सकते हो। 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा ली है, उसी में हम डाल देंगे प्याज। अब प्याज को ना बहुत ही बारीकी से काट लेना है। एक मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का प्याज ली है। साथ ही में हमें चाहिए हरी मिर्चें बहुत ही बारीक कटी हुई। अगर आपको ज़्यादा तीखापन पसंद है तो आप इसे भी ज़्यादा डाल सकते हो, कम पसंद हो कम भी कर सकते हो। 1 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। थोड़ी सी नमक भी डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी काला नमक भी डाल देंगे, थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट मिलेगा। 1 छोटा चम्मच डाल देना काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ये लाल मिर्च ना स्किप कर लेना। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है मैंने, और खटास के लिए मैंने यहाँ पे आधी नींबू का रस डाल दिया है। इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें पानी मत डालना, प्याज में पानी होता है, तो ऐसे ही पहले आप हाथों से मिलाना। प्याज है, हरी मिर्चें है, धनिया पत्ता है, इसमें से ना थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो पहले आप पानी डाल दोगे तो बाद में ना वो दरदरा सा हो जाएगा और आप इसका एक डो नहीं बना पाओगे। पहले तो आपको हाथों से मसल लेना है, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालनी है। अभी आपको इसका एक डो बनाना है, जैसे आप रोटी या फिर पराठे के लिए बनाते हो ना नॉर्मल वाले, बिल्कुल वैसी डो। सुबह को ब्रेकफास्ट में ना ये बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, मीठे मीठे चाय के साथ स्पाइसी स्पाइसी पराठे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर आपको कभी भी भूख लगे तो आप ना इसको फटाफट से बना सकते हो, ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत अच्छी भी बनती है। एक बार आप बनाओगे ना तब जाके आपको पता चलेगा। तो ये लो दोस्तों, बातों ही बातों में मैंने डो बना ली है, अच्छे से मैंने इसको मसल भी ली है। अभी ना इसको साइड में छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर में ये अच्छे से रेस्ट होके रेडी हो जाएगी, थोड़ी देर मतलब 5 से 7 मिनट। उसके बाद ये देखो डो बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर सूखा आटा छिड़क लेना है आपको एक फ्लैट सरफेस में। उसके ऊपर से ये डो को हम रख देंगे, थोड़ा सा फिर से हम मसल लेंगे और उसके बाद इसकी हम लोइयां काटेंगे। तो जितने बड़े पराठे आप खाते हो उसी के हिसाब से आप लोइयां काटना। मैंने यहाँ पे 4 पराठे बनाए हैं 1.5 कटोरी मैदे से, और उसके बाद इसको हम गोल कर लेंगे। आप चाहो तो चौकोना पराठे भी बना सकते हो, बस शेप का फर्क होगा दोस्तों, टेस्ट में ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो 4 लोइयां मैंने यहाँ पे बना ली है, गोल कर ली है। अभी इसको हम सूखे मैदे से बेलेंगे, आप सूखे आटे से भी बेल सकते हो, लेकिन तेल मत डालना। अब इसकी थिकनेस ना आप मीडियम साइज़ का रखना, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारा टाइम जाएगा आपको इसे सेकने में। और अगर ज़्यादा पतला हो गई तो होगा क्या, इसमें हमने जो प्याज डाले थे, हरी मिर्चें डाली थी, वो बाहर निकल के आ जाएगी और सब्ज़ियाँ सारे जल जाएंगे, तो ये ना कड़वा हो जाएगा अपना पराठा। तो बस पराठे मैंने बेल ली है। अभी आप चाहो तो इसे ही उठा के ना आप तवे पे डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको राउंड शेप देने वाली हूँ, इससे मैंने 1 कटोरी से इसे काटा है। अब ये तो हमारी नॉर्मल जो रोटी होती है पराठा होता है वैसा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ही बनेगी क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ियाँ डाली थी, तो इसलिए मैंने इसको काट ली है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी डाल सकते हो। तो बस इसको इस तरीके से उठा लेना है और ये बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको लेकर चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे ना तवे को पहले से ही मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दी है। तवे पे आपको कुछ भी नहीं डालना है, सीधा ये पराठे को डाल देनी है। फ्लेम को आपको रखनी है मीडियम टू हाई पे। उसके बाद ये एक साइड जैसे ही सिक जाए 2 से 3 मिनट रखना, उसके बाद इसको आप पलट देना। फिर इस तरीके से तेल लगा देना चारों तरफ से ताकि इसके नीचे तक तेल जा सके। हर एक साइड फ्राई होने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट ही लगेंगे।
और हाँ दोस्त, अगर आपने इसको ज़्यादा मोटा बेला है तो आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकती है। और हाँ दोस्त, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी वाला पराठा खाना है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा के इसे सेकनी है, तब जाके इसका जो ऊपर का पार्ट है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, नहीं तो ये 4-5 मिनट में बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो बस पराठा बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे पराठे भी तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल एक अच्छी सी सुनहरी सी कलर इसमें हो गई है ना। तो बस इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज काट के ली है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी काला नमक डाल के, और एक नींबू ले ली है खटास के लिए। आप चाहो तो ये पराठा वैसे भी खा सकते हो या फिर चाय के साथ, तो इसकी कोई मैच नहीं है। सारे घर के ही सामान है दोस्तों, आपने देखा भी और ये भी देखा कि इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है और कितनी जल्दी भी बनती है। तो इसे बनाइए, ब्रेकफास्ट में एंजॉय कीजिए या फिर कभी भी स्नैक्स में एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले मसाला पराठा कैसी बनी है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।